पॉजिटिव रहने के लिए मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट बात है हमें ना नेगेटिव बात नहीं करनी है. सो इसीलिए मैं कह रही हूँ, मैं आपसे विनती करती हूँ, प्लीज 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 पॉजिटिव मीन्स जो अच्छा कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करो बस, और कुछ नहीं करने की जरूरत. In a telling video on Instagram on Saturday, Neena Gupta explained the importance of maintaining a positive outlook during the novel coronavirus crisis. The 60-year-old actress, who has appeared in the films Badhai Ho and Panga, said that it's ideal to avoid discussing negative subjects and instead do things that pleasure us at the moment. That will help us stay positive, she asserted. However, Neena Gupta emphasized that people must stop criticizing the government as well. सच कहूँ तो सब कहते हैं आजकल पॉजिटिव रहो. इतना कठिन समय है ये, इतना मुश्किल समय है कि हर कुछ घंटे बाद डिप्रेशन हो जाता है, दुख होता है, कुछ न्यूज़ देख के दुख हो जाता है, मतलब मन नहीं लगता है, बुरे बुरे विचार आते हैं. पर पॉजिटिव तो रहना पड़ेगा, पर पॉजिटिव रहना बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है, स्पेशली आज की परिस्थितियों में. हम देखते हैं टीवी पे जो माइग्रेंट्स हैं, स्मॉल वेजेस वाले लोग हैं, वो कैसे मीलों पैदल जा रहे हैं भूखे प्यासे, वो देख के कौन पॉजिटिव रह सकता है, बहुत मुश्किल है. लेकिन हमें रहना है और पॉजिटिव रहने के लिए मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट बात है हमें ना नेगेटिव बात नहीं करनी है, हमें किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, हमें किसी की बुराई नहीं करनी है. हम जो अच्छा कर सकते हैं वो करना है. अगर एक एक्ट्रेस या अगर कोई भी इंसान अपने पोस्ट देना चाहता है, वो खाना बना के रेसिपी दिखाना चाहता है, कोई झाड़ू लगा के दिखाना चाहता है, दिखाने दो ना, हमारा क्या जाता है, शायद उसको उसी से सुकून मिलता है. हम सबका अपना अपना तरीका है इस बीमारी से, इस समय से जूझने का. अगर मुझे ये हार पहन के खुशी मिलती तो पहनने दो ना, क्रिटिसाइज क्यों करो, हर एक लगा हुआ है ना. और ये जरूरी नहीं है कि कोई अमीर है या उसके पास अच्छा घर है इस वक्त और अच्छा उसके ऊपर प्रोविजन भी मिल रहा है तो उसको तकलीफ नहीं है, हम सबको तकलीफ है. मेरी एक फ्रेंड है जिसने, जो बहुत अच्छी कुक है, जिसने अभी एक बहुत अच्छी रेसिपी पोस्ट की, उसको खाना बना के उसके दिमाग से जो बुरे विचार आजकल आते हैं, नेगेटिव विचार चले गए तो बनाने दो ना. क्योंकि मुझे पता है कि मेरी वो फ्रेंड के साथ क्या हो रहा है, आपको नहीं पता. कोई फट से क्रिटिसाइज कर देगा, अरे ये कोई टाइम है रेसिपी दिखाने का, उसके साथ पता है क्या चल रहा है, वो जुहू में रहती है और उसके पेरेंट्स रहते हैं वर्ली, मतलब 40 मिनट गाड़ी में लगते हैं. उसके पेरेंट्स 91 और 85 से ऊपर दोनों हैं और वो रोज़ उनको ड्राइवर के हाथ खाना भेजती थी, उनके पास कोई फुल टाइम मेड भी नहीं है. आपको पता है उसको क्या चिंता है, कैसे भेजेगी खाना, कैसे खाएंगे वो लोग खाना, उसके पेरेंट्स हैं. सो अगर उसको एक चीज़ करके, एक चीज़ पोस्ट करके सुकून मिलता है तो मिलने दो, प्लीज डोंट क्रिटिसाइज. अरे इसके पास तो इतना पैसा है, ये क्यों नहीं डोनेट करता. अरे जो डोनेट करते हैं उनको अप्रिशिएट करो ना, नहीं करता तो नहीं करता, उसकी मर्जी है. हम इतनी तकलीफ होती है जब मैं देखती हूँ जो गरीब लोग हैं डेली वेजेस वाले, भूखे मर रहे होंगे, क्या हो रहा होगा, सोच सोच के तकलीफ होती है. क्या कर सकती हूँ मैं, दो काम कर सकती हूँ, एक तो या तो मैं वॉलंटियर बन जाऊँ या मैं डोनेट करूँ. आजकल बहुत बहुत लोग कह रहे हैं, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट को हेल्प मिल सकती है. और हर टाइम गवर्नमेंट को प्लीज़ क्रिटिसाइज मत करो, जो वो अच्छा करे अप्रिशिएट करो, जो आपको ठीक नहीं लग रहा क्रिटिसाइज मत करो ना, कोई अच्छा सुझाव है तो दे दो. सो इसीलिए मैं कह रही हूँ, मैं आपसे विनती करती हूँ, प्लीज़ 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 पॉजिटिव मीन्स जो अच्छा कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करो बस, और कुछ नहीं करने की ज़रूरत. अगर मुझको म्यूज़िक क्लास करके अच्छा मुझे लग रहा है तो लगने दो ना. अगर आपको किसी भी प्रकार चीज़ से अच्छा लग रहा है इस वक्त, तो कुछ भी चीज़ अगर अच्छी लगे ना बहुत बड़ी बात है. क्योंकि कुछ अच्छा नहीं लग रहा इस वक्त, कुछ भी हम खा पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, पर अंदर ही अंदर ना मन बहुत मरा है. मरा मैंने एकदम मरा है. प्लीज, सो माई रिक्वेस्ट टू यू इज दिस. और अगर फाइनली मैं कह रही हूँ ना, जिसको जो अच्छा लगे वो करो, और अगर आपको क्रिटिसाइज करने से सुकून मिलता है तो भाई करो, जिससे आपको सुकून मिलता है, जिससे आपको
ना करो तो अच्छा है, पर अगर आपको क्रिटिसाइज करने से अच्छा लगता है तो ठीक है, वही सही. स्टे सेफ, स्टे एट होम. India is under complete lockdown since March 25th after Narendra Modi asked citizens to stay indoors to contain the global pandemic COVID-19. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.